ऑटमो 2022 वाला पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के साथ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं उनका, उनको वन बाय वन देख सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस के साथ आप लोगों को दिए गए होंगे। उसके बाद आज हमने जो डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट। ऑटमो 2021 का पास पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट डिस्कस करेंगे। वन पार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वन पार्ट में जो ना वो सारी डेफिनेशंस हैं। ये कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर में जो ना वो डेफिनेशन आ जाती हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, तो वो मैंने नहीं करवानी। हम आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 डेफिनेशंस के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगा सारे। तो आज हम इसका आगाज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, तो आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ देना है जैसा कि आप पहले देते आ रहे हैं, ठीक है। करना क्या आप लोगों ने, जब भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है, और हमारी जो वीडियोस हैं वो रैंकिंग में आती हैं जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और दूसरे नंबर पे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है, और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी आपने रिकमेंड करना है कि अगर आपने 1429 को मैथ की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, पास पेपर भी आप लोगों को करवाए जाते हैं, और जो बुक्स हैं बुक के सारे क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट मैंने करवाए हुए हैं, कुछ चंद एक क्वेश्चन रहते हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो ये वह चैनल है जहाँ पे आप लोगों को बिजनेस मैथ का सोल्यूशन हर तरह से तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो वो सपोर्ट ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और दूसरे लोगों को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना है। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ये 10 नंबर का सवाल है, इसमें देखें करना क्या हम लोगों ने, सबसे पहले जो ना एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री, ये जो माइनस वन है ये इधर आके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ओके। उसके बाद आप लोगों ने ये जो नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रही है इसको आप इस साइड पे लेकर आएंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 3, जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस थ्री, ऐसे। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है। इसके बाद एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो 3x है ये इधर ले आएंगे, एक्स, ये 3x इधर, यहाँ पे ये प्लस का है ना, यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, इस साइड पे आके ये माइनस का 3x हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू, ये प्लस वन इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -3x में से +1x निकाल देंगे, बाकी यहाँ पे माइनस का 2x बच जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 10। उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 ओवर -2। अब याद रखना है यहाँ पे ये 2 जो ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ माइनस भी है, इसका मतलब क्या कि माइनस भी मल्टीप्लाई हो रही है। जब माइनस को हम दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो वो माइनस अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो आपने ये वाला साइन चेंज कर देना है, ये वाला साइन चेंज कर देना है, ठीक है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्स ओवर -2 है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 5, अगर आप ये -2 को इस साइड पे लेकर जाएंगे तो भी आप लोगों ने ये साइन चेंज करना है, -2 मल्टीप्लाई 5। अगर इस तरह से आ जाए -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो फिर आपने क्या करना है, एक्स लेस देन इक्वल टू, जब ये -5 इधर आके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये अलामत का ख्याल करना आप लोगों ने इस तरीके से, ठीक है, कि माइनस जब यहाँ पे डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप दूसरी साइड पे जब लेकर जाएंगे उसको, तो उस वक्त आपने ये साइन चेंज करने हैं, तो ये भूलना नहीं आप लोगों ने, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये 2 भी कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 5 10, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को आसान लगेगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को आसान लगी है, ये क्वेश्चन आसान लगा है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।